जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष के ऊपर आज तक कभी भी किसी पंछी को उड़ते या उसके ऊपर बैठते नहीं देखा गया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल और हेलो, आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं। हम लोग बिल्कुल मजे में। आज हम लोग जो वीडियो देखने जा रहे हैं वो है लॉर्ड जगन्नाथपुरी बिगेस्ट मिस्ट्रीज। सो ये एक टेम्पल है उड़ीसा में, और आजकल उड़ीसा से रिलेटेड हम लोग मूवी भी एक उसके रोज तकरीबन रिएक्शंस दे रहे हैं दमन के। तो बहुत सारे लोगों की काफ़ी टाइम से सजेशंस आ रही थी कि उड़ीसा में जो मंदिर है जिसका कि नाम है पुरी जगन्नाथ टेम्पल, और इस टेम्पल के बारे में थोड़ा सा हमने सर्च किया तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे यही आ रहा है कि उड़ीसा में ये टेम्पल है और इट इज़ नोन एज द लैंड ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, और जगन्नाथ का मीनिंग लिखा आ रहा है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। और श्री जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ, अ फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु। उड़ीसा का जो स्टेट है वहाँ पर ये टेम्पल है, और कहा जाता है कि हर साल यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं विज़िट करने के लिए। बाकी यहाँ की कुछ मिस्ट्रीज़ हैं जो हमें पता चलेंगी इस वीडियो में। जिस चैनल से हमारे पास ये वीडियो है, ट्रैवलिंग समथिंग डिफरेंट, इनके चैनल का नाम, वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके इसे चेकआउट करो। ये वीडियो देखने के बाद करेंगे डिस्कशन, स्टे विद अस। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत में स्थित एक ऐसी मंदिर के बारे में जहाँ विराजमान भगवान की मूर्ति में उस भगवान का असली दिल मौजूद है। हाँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि जब इस मूर्ति की जगह नई मूर्ति रखी जाती है तो उस दिल को निकाल कर नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है, और इस दौरान पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर दिया जाता है ताकि कोई भी इंसान इस दिल को ना देख सके। और अगर गलती से भी कोई इंसान इस दिल को देख लेता है तो उस इंसान की मृत्यु स्वतः ही हो जाती है। ये भव्य मंदिर है पुरी का, भगवान जगन्नाथ का मंदिर। अच्छा, आइए दोस्तों जानते हैं पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ के 10 रहस्यों के बारे में जिसे आज तक विज्ञान जगत भी नहीं सुलझा पाया। नंबर एक, दोस्तों आपने यह तो देखा होगा कोई भी झंडा हवा की दिशा में ही लहराता है, लेकिन आपको बता दूं भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऑपोजिट डायरेक्शन में कारण से। अच्छा, ऑपोजिट डायरेक्शन आज तक नहीं चल पाया। साथ ही इस झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। ऐसी मान्यता है अगर किसी कारणवश इस झंडे को नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। नंबर दो, यह मंदिर 4,00,000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है। मुख्य मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट है। दोस्तों मंदिर के नीचे खड़े होकर शीर्ष यानी कि गुंबद को देख पाना असंभव है। इस गुंबद की छाया में भी एक राज छुपा हुआ है। यह गुंबद इतना विशाल होने के बावजूद इस गुंबद की परछाई सुबह दोपहर शाम कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती। नंबर तीन, मुख्य परछाई नहीं पड़ती। इसके ऊपर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र स्थित है। ऐसा कहा जाता है चक्र, आप पूरी में कहीं भी खड़े हो आप इस चक्र को देख पाएंगे। वाह। इस चक्र की बनावट इतनी अद्भुत है कि आप किसी भी दिशा से इस चक्र को देखें आपको ऐसा प्रतीत होगा कि यह चक्र बिल्कुल आपके सामने ही है। इसे नीर चक्र भी कहा जाता है। यह चक्र अष्ट धातु से निर्मित है जो कि अति पावन एवं पवित्र माना जाता है। नंबर चार, समुद्र पुरी का रहस्य। दोस्तों सामान्यतः किसी भी समुद्र के किनारे हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है और शाम के समय इसका विपरीत होता है, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। यहाँ पर हवा समुद्र से जमीन की ओर ना जाकर बल्कि जमीन से समुद्र की ओर जाता है। अच्छा। नंबर पाँच, आमतौर पर ऐसा देखा गया है किसी भी मंदिर मस्जिद तथा किसी भी ऊंचाई वाले स्थान पर पक्षियों का बैठना आम बात है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष के ऊपर आज तक कभी भी किसी पक्षी को उड़ते या उसके ऊपर बैठते नहीं देखा गया। यही वजह है कि मंदिर के ऊपर हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के उड़ने पर मनाही है।
नंबर 6। अच्छा पंछी नहीं आए। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी, जगन्नाथ मंदिर में प्रतिदिन संध्या काल में मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को यहाँ के पुजारियों द्वारा मंदिर में उल्टा चढ़कर बदलना पड़ता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस भव्य मंदिर में पुजारी को सीधा नहीं बल्कि उल्टा चढ़ना पड़ता है और ध्वज भी इतना भव्य है, जब यह लहराता है तब सब देखते ही रह जाते हैं। इस भव्य ध्वज पर भगवान शिव का चंद्र भी बना हुआ है। नंबर 7, उल्टा चढ़कर। ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के परिसर में दुनिया का सबसे बड़ा रसोई है। इस रसोई में 500 रसोइयां और 300 सहकर्मी मिलकर भगवान जगन्नाथ के प्रसाद का निर्माण करता है। इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य यह भी है, यहाँ चाहे लाखों भक्तों क्यों ना आ जाए, कभी भी प्रसाद कम नहीं पड़ता। लेकिन संध्या होने पर जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त होता है, प्रसाद अपने आप ही खत्म हो जाता है। यानी कि आज तक यहाँ पर प्रसाद कभी भी व्यर्थ नहीं हुआ है। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद का निर्माण होता है उसे पुरातत्व काल से प्राचीन विधि से लकड़ियों में ही बनाया जाता है। इस प्रसाद को बनाने में मिट्टी का बर्तन का उपयोग किया जाता है। यह प्रसाद 7 बर्तन में बनाया जाता है। 7 बर्तन को एक के ऊपर एक रखा जाता है और रहस्य वाली बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर का जो बर्तन होता है उसमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार होता है और उसके बाद 6वें, 5वें, 4थे, 3रे। अच्छा, वरना तो यूं होता ना कि जो नीचे है, यानी कि नीचे का जो बर्तन है उसमें सबसे आखिरी में प्रसाद बनकर तैयार होता है, जो कि एक बहुत बड़ा रहस्य है जो कि आज तक किसी ने सुलझा नहीं पाया है। नंबर 8, दोस्तों भगवान जगन्नाथ का मंदिर 4 धामों में से एक धाम माना जाता है। दोस्तों मंदिर में प्रवेश करते ही एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि सिंह द्वार के अंदर आपका कदम जब तक नहीं जाता तब तक आपके कान में समुद्र की ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार के अंदर कदम रखते हैं ये लहर की ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाती है। वाह वाह वाह, क्या बात है, मतलब जैसे अंदर कदम रखा। 9, दोस्तों जगन्नाथ पुरी में मुख्य रूप से 3 मूर्ति विराजमान है, भगवान श्री कृष्ण, बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा। दोस्तों जगन्नाथ पुरी की तीनों मूर्ति को हर 12 साल में बदला जाता है। पुरानी मूर्तियों की जगह पर नई मूर्तियां स्थापित किया जाता है। मूर्ति बदलने की प्रक्रिया में भी एक बहुत ही रोचक हिस्सा है। जिस वक्त मूर्ति बदली जाती है उस वक्त पूरी शहर की बिजली को काट दिया जाता है। उन्होंने मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। अच्छा। उस वक्त मंदिर में किसी का भी एंट्री पाबंदी होती है, सिर्फ उन पांडा यानी कि पुजारियों का ही एंट्री होता है जिन्हें मूर्तियों को बदलनी होती है। नंबर 10, दोस्तों ऐसी मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपने देह का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनका पूरा शरीर पंच तत्व को लीन हो गया था। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह आज भी धड़क रहा है। ऐसा मान्यता है कि वह दिल आज भी सुरक्षित है। भगवान जगन्नाथ के लकड़ी के मूर्ति के अंदर आज भी साक्षात विराजमान है। दोस्तों आप भी अगर इस भव्य जगन्नाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने पूरी फुल ट्रिप वीडियो बना रखी है, आई बटन में लिंक दिया है। ओके, अच्छा, इंटरेस्टिंग वीडियो, बड़े गूज़बम्स यार आए और इंटरेस्टिंग भी थी। और ऐसी इंटरेस्टिंग वो था कि वो बता रहे थे कि जब मूर्तियां बदली जाती हैं तो उसके अंदर एक आ जाता है कि दिल है, अभी भी धड़क रहा है, और अगर वो दिल कोई देख ले तो उसकी डेथ हो जाती है, इसीलिए उसको पूरी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करके तो जो स्पेशल जो पुजारी होते हैं वही उसको बदलते हैं, और कोई नहीं कर, और किसी की भी एंट्री नहीं हो सकती, सिक्योरिटी होती है। बता रहे हैं कि मंदिर के ऊपर आज तक कोई भी परिंदा नहीं आया, तो इसलिए जहाज वगैरह भी वहां से नहीं गुजर, मतलब आप देखें, मतलब गूज़बम्स आ रहे थे। और समुद्र की जो लहरें अमूमन बताते हैं कि आती हैं, समुद्र मिट आता है लैंड पर, ये कहते हैं लैंड से वापस जाती हैं यहाँ पर, और जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो आपको समंदर की आवाजें और नहीं जो फ्लैग है वैसे तो हवा की डायरेक्शन में होते हैं, इसमें ऑपोजिट में होता है, मतलब कमाल है। और बाकी ये इतने लोग बताते हैं कि यहाँ पर आते हैं, और इन्होंने हमें एंड में यात्रा का भी बताया कि अगर आप यात्रा वाली पूरी ट्रिप देखना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो इन्होंने रखी हुई है। तो मतलब ऐसी ऐसी बातें हैं, और वो एक जो चक्र लगा है ना वो कहीं से भी आप देख सकते हैं और आपको बिल्कुल लगेगा जैसे आपके सामने है, और कमाल है। और उल्टा चढ़ के उसका जो फ्लैग है उसको चेंज किया जाता है,
अमेजिंग, मतलब मैंने नहीं सोचा था कि इस तरह की बातें होंगी, जो कि अपने आप में ही एक कमाल है. तो आपको क्या ये सब बातें पता थी कि हमारे साथ देखने में पता चली? हमें ज़रूर बताइएगा, और कुछ अगर आप भी ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा. तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा यार, बड़ा अच्छा लगा जान करके. ये सारी रहस्य बोलते हैं हिंदी में मिस्ट्रीज़ को, तो बड़ा अच्छा लगा है और काफ़ी सारी नॉलेज मिली है. इस तरह की वीडियोस हमें बहुत नॉलेज देती हैं. तो आई होप आप खुश हो गए होंगे कि हमने आपकी सजेशन मानी है और आपकी सजेस्टेड वीडियो पे हमने रिएक्शन दिया है. इसी तरह और भी डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस आपके लिए लाते रहेंगे. अगर ये रिएक्शन आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई ब्लॉग, जाकर लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो. इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना फॉर लेटेस्ट फोटो स्टोरीज एंड अपडेट्स के लिए. सो इसी तरह आपके लिए नए रिएक्शन लाते रहेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें.